गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी रेगुलर अच्छे से क्लास ले रहे होंगे। सीरियस होके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको लास्ट में एक डायग्राम बनाकर अच्छे से कवर कर लिया था, ठीक है। आज अपन इस क्लास में डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी कई बार आपको मैंने एग्जाम में डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया जाता है, तो करना क्या होता है, अपन को एक टेबल बनाकर इनमें अंतर प्रदर्शित करना होता है। जब अपन को एक डीएनए के बारे में पूरी जानकारी पता होती है और आरएनए के बारे में पूरी जानकारी पता होती है, तो अपन आसानी से इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनिक क्षारक जो है प्यूरीन में एडिनिन और गवानीन होते हैं, ठीक है, और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन होते हैं। जबकि आरएनए में प्यूरीन में एडिनिन और गवानीन होते हैं, जबकि पिरिमिडीन में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। तो इस तरह से अपन इन दोनों में डीएनए और आरएनए में मुख्य मुख्य अंतर तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। और नहीं भी लिखवाएं, नहीं भी समझाएं, तो पहले से अपने ये दोनों टॉपिक जो है डीएनए और आरएनए, इनके ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो इन दोनों टॉपिक्स को या मेरी क्लास को अच्छे से देखते समझ रहे हो, तो आसानी से आप अंतर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इस टॉपिक के बाद, जो डीएनए और आरएनए में अंतर के बाद अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आनुवांशिक कूट, जिन्हें बोलते हैं जेनेटिक कोड। नाम सुना होगा इनका, मोस्टली इस पे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। जैसे इस बार नहीं पूछे तो अगले साल जरूर पूछेंगे कि आनुवांशिक कूट क्या है, इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक अपना पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में, इलेवंथ में पढ़ा हुआ, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में फिर से है, लेकिन थोड़ा बड़े रूप में है। तो अपन इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड होते क्या है। तो ध्यान से सुनना, एमआरएनए mRNA, अभी इस प्रीवियस, इससे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है कि अपना ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो mRNA वह विशिष्ट सूचना या संदेश रखता है, mRNA क्या रखता है, विशिष्ट सूचना या संदेश रखता है जो इसे डीएनए द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण या एंजाइम के संश्लेषण हेतु प्राप्त हुई है। कैसे प्राप्त हुई है, डीएनए द्वारा किसी विशेष प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण हेतु प्राप्त हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एमआरएनए वह विशिष्ट सूचना या संदेश रखता है जो इसे डीएनए के द्वारा किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण हेतु प्राप्त हुई है। अब अपन को पता है कि अपन ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, अनुलेखन पढ़ा है,
उसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए बन रहा था। अब एमआरएनए के पास जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो डीएनए के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो डीएनए के पास जो सूचना थी अब वो किस में ट्रांसफर हो गई है, एमआरएनए के पास। तो अपन यही तो बता रहे हैं, एमआरएनए वह विशिष्ट सूचना या संदेश रखता है जो डीएनए द्वारा किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन निर्माण या एंजाइम निर्माण के द्वारा प्राप्त हुई है। यानी एमआरएनए के पास जो सूचना आई है वो उसमें किस प्रकार की सूचना है, या तो प्रोटीन निर्माण के लिए या कोई एंजाइम निर्माण के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमआरएनए इस सूचना या संदेश को एक भाषा के रूप में प्राप्त करता है। ये जो सूचना और जो संदेश है इनको एक भाषा के रूप में प्राप्त करता है। इस कूट भाषा को ही जेनेटिक कोड कहते हैं। इस कूट भाषा को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड कहते हैं। यानी कि जो एमआरएनए के पास जो विशिष्ट सूचना या संदेश है जो डीएनए द्वारा इसको दी गई है वह एक भाषा के रूप में इसे प्राप्त हुई है, और इस कूट रूपी भाषा को ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यह जेनेटिक कोड, फिर सुनना और अच्छी अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा अभी मैं। यह जो जेनेटिक कोड है यह डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम एवं, यह जो जेनेटिक कोड है यह डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेसेस का जो अनुक्रम है एवं प्रोटीन में उपस्थित जो एमिनो एसिड्स का अनुक्रम, इन दोनों में संबंध होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह जो जेनेटिक कोड है यह डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक बेसेज या नाइट्रोजनिक क्षारकों के अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो एसिड्स के अनुक्रम के बीच एक संबंध होता है। सिंपल सी बात है, यही होता है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनिक क्षारक है उनके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के पास आ गए भाषा के रूप में, कूट भाषा के रूप में, और उस कूट भाषा के अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े और प्रोटीन बनाया। अपन बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो डीएनए के पास जो नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुक्रम है और जो प्रोटीन के पास अमीनो एसिड्स का अनुक्रम है उनके बीच का एक उनके बीच एक संबंध होता है, उसे ही जेनेटिक कोड कहते हैं। क्लियर है? ओके। इस प्रकार यह एक सांकेतिक भाषा है। सार क्या निकला इसका, यह एक सांकेतिक भाषा है, यानी संकेत देने वाली भाषा है। क्या संकेत देगी कि डीएनए प्रोटीन बनाना है कि एंजाइम बनाना है। डीएनए देगा संदेश एमआरएनए को और एमआरएनए संदेश देगा एमिनो एसिड्स को प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर है? तो यह एक सांकेतिक भाषा है जो डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारकों, डीएनए में कितने नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, चार नाइट्रोजनी बेसेस। वापस रिपीट कर रहा हूं, अतः यह एक सांकेतिक भाषा है जो डीएनए में उपस्थित चार नाइट्रोजनिक क्षारकों या न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड्स के विशिष्ट अनुक्रम का एमआरएनए
में ट्रांसक्रिप्ट होती है। यानी जो ये एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है, आनुवंशिक कोड एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है, जो डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक, चार प्रकार के कौन से हो गए आप पूछ सकते हो कि सर चार प्रकार के कौन से हो गए, तो प्यूरिन जो नाइट्रोजनिक क्षारक है उसमें दो, एडिनिन और गवानिन, और पिरिमिडिन के पास भी दो है, तो दो और दो मिला के चार हो गए। तो चार नाइट्रोजनिक क्षारक जो डीएनए के पास है, या अपन बोले कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का विशिष्ट अनुक्रम है उसका एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी जो डीएनए के पास जो नाइट्रोजनिक क्षारक है या न्यूक्लियोटाइड्स का जो विशिष्ट अनुक्रम है उस वो एमआरएनए में अनुलेखित होता है या ट्रांसक्रिप्ट होता है। अतः यह सांकेतिक या इस सांकेतिक भाषा में चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स चार प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक भाग ले रहे हैं, चार प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक भाग ले रहे हैं, जो 20 टाइप के, कितने 20 टाइप के एमिनो एसिड अब तक अपने शरीर में 20 प्रकार के मुख्य एमिनो एसिड्स खोजे जा चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं अतः यह एक सांकेतिक भाषा है जो इसमें काम आने वाले चार नाइट्रोजनिक क्षारक लगभग 20 टाइप के एमिनो एसिड्स को संकेत करके चुन चुन कर उपयोग में लाने हेतु बनाई गई है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अतः यह एक सांकेतिक भाषा है जो या इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारकों को काम में लिया जाता है, जिसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स को संकेत करके उनको चुन चुन कर उपयोग में लाने हेतु इस भाषा को बनाया गया है। क्लियर है? ओके। अब अपने एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि एमआरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम जो स्पेशल एमिनो एसिड्स को संकेत करे कोडोन कहलाता है। आपसे पूछ ले कि कोडोन किसे कहते हैं, ये तो अपने आनुवंशिक कोड की परिभाषा दे दी, अब डायरेक्टली आपको पूछ दे कोडोन क्या होते हैं, तो कोडोन क्या कहलाएंगे, एमआरएनए, जो एमआरएनए है उसमें जो नाइट्रोजनिक क्षारक उपस्थित है वो अगर किसी स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड को संकेत करें तो उसे क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। एमआरएनए के पास उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम जो किसी विशेष या स्पेशल एमिनो एसिड को संकेत करे कोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोन कहलाता है। तो आपसे जेनेटिक कोड की डेफिनेशन पूछे तो मैंने आपको उसको विस्तार पूर्वक समझा दिया है अच्छे से। कोडोन की डेफिनेशन पूछे तो आपको ये एमआरएनए वाली डेफिनेशन दे देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होते हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, कोडोन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन भी अपन ने अच्छे से जान ली है। अब ये कोडोन कैसे बनाए जाते हैं, ये सिंगलेट होते हैं, डबलेट होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं, वैसे तो ट्रिपलेट ही होते हैं कोडोन, अपन ने पहले को पता है अपन को पहले से, लेकिन ये ट्रिपलेट ही क्यों होते हैं, त्रिककूट ही क्यों होते हैं, उसको अपन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, पहले पढ़ा हुआ है अपना। यानी सिंपल से शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो एमआरएनए के पास कुछ स्पेशल टाइप के संदेश या मैसेज होते हैं जो उसे डीएनए के द्वारा स्पेशल टाइप के प्रोटीन या एंजाइम बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं, जेनेटिक कोड कहलाते हैं। एकदम सिंपल से डेफिनेशन। कोडोन किसे कहते हैं ये पूछ ले तो एमआरएनए के पास वह विशिष्ट क्षारकों का अनुक्रम या एमआरएनए में उपस्थित वह विशिष्ट क्षारकों का अनुक्रम जो किसी स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड को संकेत करे कोडोन कहलाते हैं। क्लियर?
क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इतना समझ भी नहीं आता तो उनको डायरेक्टली बताना होता है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन समझेंगे कि जो कोड होते हैं, आनुवंशिक कोड जो होते हैं, यह ट्रिपलेट ही क्यों होते हैं, सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं हो सकते। तो ध्यान से सुनना, माना कि कोई मैथमेटिक्स के जैसे मान रहे हैं, माना कि कोडॉन एक क्षारक का बना है। वैसे क्षारक, नाइट्रोजनिक क्षारक अपने पास कितने हैं, चार। अब चार कैसे, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन और पीरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। ये तो डीएनए की बात, अगर आरएनए हो तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा, तो चार ही है, पांच नहीं है, चार ही है, तो इसलिए मैं बार बार चार बोल रहा हूं। तो अपन कोडोन को अगर एक क्षारक का बना हुआ माने तो अपने पास कितने क्षारक है, टोटल चार क्षारक है। तो इससे जिसे चार क्षारक है अपने पास, तो चार क्षारकों का अगर कोडोन बनाए तो चार प्रकार के, चार टाइप के एमिनो एसिड्स को, चार टाइप के एमिनो एसिड्स वाले प्रोटीन को कोड कर सकता है। यानी कि अपन को पता है कि अपनी बॉडी में 20 प्रकार के, कितने, 20 टाइप के एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स खोजे जा चुके हैं। तो कोडोन ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 20 प्रोटीन्स को तो कोडित कर सके। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि चार प्रकार के एमिनो एसिड्स को ही, या चार प्रकार के एमिनो एसिड्स वाले प्रोटीन को ही कोड किया जा रहा है, जब कोडोन अपन चार क्षारकों से मिलकर बना हुआ माने, तो यह सार्थक नहीं है, यह गलत है। तो अपन इसीलिए कोडोन को एक क्षारक से या चार क्षारकों से मिलकर बना हुआ नहीं मानते। अगर अपन एक कोडोन को दो क्षारकों से मिलकर बना हुआ माने, चार क्षारक है, चार का स्क्वायर मतलब 16 एमिनो एसिड, अगर अपन कोडोन को दो क्षारकों से मिलकर बना हुआ माने, तो अपने पास चार क्षारक है तो चार का स्क्वायर करें, क्योंकि अपन डबल क्षारक ले रहे हैं, तो यह 16 प्रकार के एमिनो एसिड्स को ही संकेत कर सकते हैं, लेकिन अपने पास तो कम से कम 20 है, तो ये भी, इस प्रकार के कोडोन भी उपयोगी नहीं है। इसीलिए अपन अगर तीन कोडोन नाइट्रोजनिक क्षारकों का ग्रुप बनाकर कोडोन बनाए, तो यह है 64 एमिनो एसिड, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो 64 एमिनो एसिड्स को संकेत कर सकते हैं। यानी कि इसमें 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स थे वो तो आसानी से कवर हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार के ट्रिपलेट कोडोन जो होते हैं वह सार्थक होते हैं, इसीलिए आनुवंशिक कोड को त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोड कहा जाता है, क्योंकि यह तीन नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, ए यू जी ऐसे, तो ये एक नाइट्रोजनिक क्षारक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन नाइट्रोजनिक क्षारक हो गए, तो इसलिए इसको त्रिकूट या ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। तो ये अपन ने
आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड त्रिक ही क्यों होते हैं, ट्रिपलेट ही क्यों होते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब अपन जेनेटिक कोड की, आनुवंशिक कोड की विशेषताओं की बात करेंगे जो अपन को पता होने चाहिए। स्पेशली आनुवंशिक कोड की विशेषताएं आपको एक नंबर में भी पूछी जा सकती है, जैसे जेनेटिक कोड की किन्हीं पांच विशेषताएं लिखिए, तो डायरेक्टली वहां पे अपन लिख सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में भी ये पूछेंगे कि आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। विशेषताएं फर्स्ट है ट्रिपलेट कोड, अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने ट्रिपलेट कोड यानी त्रिक कूट। एक तो ये विशेषता होगी कि जो कोड होते हैं या जो कूट होते हैं, आनुवंशिक कूट होते हैं, वो हमेशा ट्रिपलेट या त्रिक कूट होते हैं। वो क्यों होते हैं मैंने आपको इससे पहले जस्ट समझा दिया है। ठीक है, दूसरी विशेषता कोमा लेस यानी कोमा विहीन। इसमें क्या बताएंगे अपन कि जितने भी आनुवंशिक कूट है उनके बीच किसी भी प्रकार के अर्धविराम या कोमा का यूज में नहीं लिया जाता है, इसीलिए यह कोमा विहीन, जिसे अपन बोलेंगे कोमा लेस होते हैं। जैसे मान लो ये ए यू जी है, ठीक है, दूसरा आ गया मान लो जैसे यू ए जी, तो इनके बीच कोमा नहीं होता है या अर्धविराम नहीं होता है, ये कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, तो इसलिए कोमा लेस भी होते हैं। थर्ड नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडॉन, यहां पे नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है अन अति व्यापित कूट, यानी जो कोडॉन होते हैं वो अनतिव्यापित होते हैं, यानी कि जैसे कोई कोडॉन है ए टी सी, तो इनको एक बार ही पढ़ा जाता है। अनतिव्यापित का मतलब है एक बार ही पढ़ा जाना, जैसे ए टी सी है, एक बार पढ़ लिया बस इधर से। ऐसा नहीं है कि जो अतिव्यापित अगर कोडॉन होंगे तो उनको प्रत्येक को तीन बार पढ़ा जाएगा, जैसे ए टी सी सी टी ए टी ए सी कुछ भी। तो इसीलिए जो कोडॉन होते हैं वो अनतिव्यापित होते हैं, यानी कि इनको एक बार ही पढ़ा जाता है, ए टी सी बस हो गया, ए यू जी बस कोडॉन पूरा हो गया, इसलिए अनतिव्यापित कूट होते हैं। फोर्थ विशेषता पोलैरिटी यानी ध्रुवता जिसे बोलते हैं, पोलैरिटी। आनुवंशिक कूट में ध्रुवता या पोलैरिटी पाई जाती है, कैसे ध्रुवता यानी एक स्पेशल ध्रुव का होना, जैसे अपन जानते हैं उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, पूर्वी ध्रुव है, पश्चिमी ध्रुव है। तो जैसे मान लो कि कोई कोड है ए यू जी, तो इसको हमेशा एक ही दिशा से पढ़ा जाएगा, ए यू जी, ऐसा नहीं है कि इसको जी यू ए भी पढ़ा जाए, नहीं ये गलत है। जो कोडॉन होते हैं हमेशा उनमें पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है, यानी कि मैंने इसको इस दिशा से पढ़ा ना ए यू जी, तो इसको हमेशा इसी दिशा से पढ़ा जाएगा ए यू जी, इसको जी यू ए नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसलिए इनमें पोलैरिटी या ध्रुवता भी पाई जाती है। अगली विशेषता सार्वत्रिकता, इसे बोलते हैं यूनिवर्सेलिटी, यानी कि ये जो आनुवंशिक कूट है ये सार्वत्रिक होते हैं। इनको जब खोजे गए थे आनुवंशिक कूटों को, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजे गए थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया इंसान में, एनिमल्स में, तो पाया कि ये सार्वत्रिक है, सभी में पाए जाते हैं, छोटे बैक्टीरिया में भी मिलेंगे, इंसान में भी मिलेंगे, जानवरों में भी मिलेंगे,
इसलिए ये सार्वत्रिक होते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता, कोलिनियरिटी, जिसे बोलते हैं संरेखता, यानी कि संरेखता का मतलब है संरेख, एक ही रेखा, यानी कि अनुवांशिक कूट एक ही लाइन में उपस्थित होते हैं। जैसे एक लाइन में ऐसे थोड़ी ना है ए यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, जी यहाँ पे, नहीं, ये हमेशा अनुवांशिक कूट एक ही लाइन में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी विशेषता क्या हो गई, संरेखता भी एक विशेषता हो गई। फिर अगली, समारंभन कोडोन, जिन्हें बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करने वाले या अनुलेखन को स्टार्ट करने वाले कोडोन क्या कहलाएंगे, समारंभन कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। कौन से होते हैं, ए यू जी, एक ही कोडोन है ए यू जी। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समारंभन कोडोन या इनिशिएशन कोडोन किसे कहते हैं, तो कौन सा है, ए यू जी, यही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करता है या ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ए यू जी। क्लियर है। अब लास्ट में एक विशेषता और रह जाती है, वो है समापन कोडोन। नाम सुने होंगे आपने, आठ नंबर की विशेषता समापन कोडोन, जिन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग कोडोन, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण या जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही है एमिनो एसिड्स की, उन पर स्टॉप लगाने का, यानी प्रोटीन संश्लेषण को रोकने वाले जो कोडोन होंगे वो क्या कहलाएंगे, समापन कोडोन। यह थ्री टाइप के होते हैं, थ्री टाइप कौन कौन से हैं, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। समापन कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन तीन प्रकार के होते हैं, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए, ध्यान रखना, जैसे अपन इसका ध्यान रखेंगे आरंभन कोडोन का, ए यू जी का, ऐसे ही समापन कोडोन तीन प्रकार के होते हैं, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। यू ए ए को बोलते हैं ओकरे, यू ए जी को अंबर, इसको ओपल। इनके अतिरिक्त नाम बताए मैंने, यू ए ए को ओकरे, यू ए जी को अंबर और यू जी ए को ओपल नाम से भी जाना जाता है। इन कोडोन्स को समापन कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन के अलावा नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरर्थक या नॉन सेंस कोडोन। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए कि कंफ्यूज करने के लिए आपको, कि नॉन सेंस कोडोन या निरर्थक कोडोन या अनुवांशिक कूट किन्हें कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, समापन कोडोन को कहा जाता है ये इन तीनों को। तो ये अपन ने अनुवांशिक कूटों की आठ प्रकार की विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया है। यहां से कंपिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इस पॉइंट को तो अपन को स्पेशली अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्लास में अपन ने आज जेनेटिक कोड क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, धन्यवाद।